हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइव फिजिक्स बाय वीके। तो आज हम करेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11.14। तो वेवलेंथ, यहां पे वेवलेंथ देखो कि 589 हमें दिया है। फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट व्हिच एन इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रॉन वुड हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है उनके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे पहले तो हम क्या करते हैं, मोमेंटम इसका निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम p इज इक्वल डी ब्रोगली, हमारी होती क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपन p, है ना। ये होती है हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो पहले ये चीज निकाल लेते हैं। तो p की टर्म में p इज इक्वल होगा अपना अंडर रूट 2mk, अपना p ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे तुम देखोगे लैम्डा इज इक्वल टू हो गया अपना एच अपन अंडर रूट 2mk। तो यहां से तुम देखोगे k को मैं इस साइड सबका स्क्वायर करता हूं, मैं लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2mk। तो k मुझे निकालना है ना, तो k मेरा हो जाएगा एच स्क्वायर अपन 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। बस अब लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो और बात खत्म करो, ठीक है। दोनों ही केस में क्या, लैम्डा तो यही डाल दिया। तो यहां पे तुम देखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए ke, तो एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम देखो तो h की वैल्यू हो जाएगी 6.63 इंटू 10^-34 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10^-31 इंटू 589 इंटू 10^-9 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6.96 इंटू 10^-25 जूल। इसको तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम करोगे तो 6.96 इंटू 10^-25 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10^-19। सिंप्लीफाई करो इसको तो ये कुछ आएगा आपका 4.35 इंटू 10^-6 ईवी। तो ये अपना हो गया सोल्यूशन, ठीक है। अब न्यूट्रॉन की बारी है, तो वही चीज फॉर्मूला डालो इसमें डायरेक्ट। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो 6.63 इंटू 10^-34 पूरे का स्क्वायर कर लो, डिवाइड बाय करो आप 2 इंटू उसका वेट, कितना होता है उसका मास, सॉरी मास 1.67 इंटू 10^-27 इंटू 589 इंटू 10^-9 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ आएगा तुम्हारा 3.79 इंटू 10^-28 जूल। इलेक्ट्रॉन वॉट में इसको फाइंड करोगे आप तो 3.79 इंटू 10^-28 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10^-19, ठीक है। तो ये कुछ आएगा आपका 2.36875 इंटू 10^-9 इलेक्ट्रॉन वॉट। तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ पर, है ना। तो ये वेवलेंथ यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। आसान सा सोल्यूशन है। वीडियो को करना है लाइक और करना है चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।